हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट स्टूडेंट, कल हमने डिस्कस किया था फंक्शन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, आज हम कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टाइप हम सिग्नम फंक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ऑड फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, पावर फंक्शन, रैशनल फंक्शन होते हैं, पॉलीनोमियल फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं। तो इनमें से हम सिर्फ तीन चार पे ही फोकस करेंगे, बाकी वाले आपको समझ आ जाएंगी कि बाकी वाले किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। बाकी वाले अगर हम आगे सिलेबस में होंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है सिग्नम फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, कल मैंने फंक्शन के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता दिया था कि अगर कोई हम इधर इनपुट देते हैं तो हमें इधर आउटपुट मिलता है। ठीक है ना, इनपुट देंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, उसको बोलते हैं फंक्शन। अब सिमिलरली सिग्नम फंक्शन क्या है कि अगर हम इधर कुछ भी इनपुट दें, सपोज हमने पॉजिटिव इनपुट दिया, अगर हम पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं तो हमें सिग्नम फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है स्टूडेंट, अगर मतलब आउटपुट मिलेगा 1, अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं तो आउटपुट 1, अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं तो आउटपुट हमें मिलेगा -1। सिमिलरली अगर हम आउटपुट इनपुट 0 दे रहे हैं तो आउटपुट मिलेगा 0। ठीक है स्टूडेंट, सपोज कैसे, मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके आउटपुट में सिर्फ हमें तीन ही वैल्यू मिलती है। कौन कौन सी तीन वैल्यू? 1, -1 और 0। ठीक है स्टूडेंट, मतलब पॉजिटिव वैल्यू जो भी देंगे, सपोज मैंने दे दिया इधर 5, ठीक है ना, 5 इज़ अ पॉजिटिव। अब 5 सिग्नम, जो ही मैं 5 सिग्नम फंक्शन में 5 इनपुट करूँगा तो मुझे आउटपुट रिजल्ट मिलेगा 1। ठीक है स्टूडेंट, पाई, पाई क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है तो पाई का आउटपुट क्या मिलेगा? 1। सिमिलरली √2 दूंगा तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा? 1। अगर मैं -√2 दूंगा तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा? -1। कहने का मतलब ये हुआ कि सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि जिस पे हम इनपुट कोई भी रियल वैल्यू डालें इनपुट में और हमें आउटपुट सिर्फ तीन ही वैल्यू मिले, 1, -1, 0। कहने का मतलब ये है कि इसका डोमेन कैसा हो सकता है? फिर सिग्नम फंक्शन का डोमेन हो सकता है भाई, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन हो सकता है इसका कैसा कि -∞ से इन्फिनिटी, क्योंकि रियल वैल्यू से मैं कोई भी वैल्यू उठा लूँ, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब 0 डालूँ, -1 डालूँ, 2 डालूँ, 3 डालूँ, 4 डालूँ, तो हमें रेंज यही मिलने वाला है। रेंज सिर्फ यही मिलेगा, कौन सा? 1, -1 और 0। ठीक है, आउटपुट हमें सिर्फ यही तीन वैल्यू देगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं देगा, वो होता है सिग्नम फंक्शन। अब मैंने कल आपको डोमेन और कोडोमेन समझाया था, रेंज आई थिंक भूल गया था मैं बताना। रेंज देखिए स्टूडेंट क्या होता है, अगर ये है डोमेन तुम्हारा, ये है कोडोमेन, ये ऑब्जेक्ट है कोई, इसकी इमेज इसके साथ, इसकी इमेज इसके साथ, इसकी इमेज इसके साथ, अब ये तो पूरा हो गया डोमेन, ये पूरा हो गया कोडोमेन, लेकिन रेंज क्या होता है कि जो इमेजेस बन रही ना, ये वाली तीन इमेजेस बनी, ये जो इमेजेस बनी, इन इमेजेस के सेट को हम कहते हैं रेंज। ठीक है स्टूडेंट, जो कोडोमेन में इमेजेस बन रही है ना, इसकी मतलब आउटपुट मिल रहा हमें, जो भी आउटपुट मिलता है वो सारे का सारा, उस पूरे का सेट अगर हम बनाएं, और उस सेट को हम कहते हैं रेंज ऑफ ए फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब सिमिलरली वही बात कही मैंने इधर, डोमेन से आप कोई भी वैल्यू उठा लो, रियल से माइनस की डालो, प्लस की डालो, जीरो की डालो, जो भी मतलब रियल से कोई भी वैल्यू ले लो, उसका रेंज हमें सिर्फ तीन ही वैल्यू देगा, 1, -1, 0। कहने का मतलब इनपुट कोई भी डालो, आउटपुट हमें सिर्फ तीन वैल्यू ही देगा, 1, -1 और 0। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए भाई, मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो पॉजिटिव 1 मिलेगा, पॉजिटिव कोई भी डालो, 100 डालो, 200 डालो, 300 डालो, √5 डालो, 100 डालो,
वन ही आंसर मिलेगा, क्योंकि सिग्नम फंक्शन ये कहता है। और नेगेटिव जो भी वैल्यू डालोगे आंसर माइनस वन होगा, और ज़ीरो अगर होगा, अगर इनपुट ज़ीरो किया तो आउटपुट भी ज़ीरो मिलेगा। तो इस तरीके से अब हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकली, हम कहेंगे अ फंक्शन एफ ऑफ आर टू आर इज सेट टू बी अ सिग्नम फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो, तीन इन आउटपुट। कह रहा अगर वन तब होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, माइनस वन तब होगा जब एक्स इज लेस देन ज़ीरो होगा, और ज़ीरो तब होगा जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा। जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी तो आंसर वन आएगा, जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से कम होगी मतलब माइनस में होगी तो आंसर माइनस वन होगा, जब एक्स ज़ीरो के बराबर होगा तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो इस तरीके से सिग्नम फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको सिग्नम फंक्शन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन जिसको हम आई से लिखते हैं मैक्सिमम। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है कि जब एफ ऑफ एक्स तुम्हारा किसके बराबर आ जाए, एक्स के बराबर, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब क्या है, जो इनपुट दिया वही आउटपुट मिले हमें, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। कहने का मतलब अगर मैंने वन इनपुट दिया तो आउटपुट भी मुझे क्या मिलेगा, वन। टू आउटपुट दिया, इनपुट दिया, आउटपुट भी क्या मिलेगा, टू। कहने का मतलब जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है। तो वैसे वाले फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं एक मिनट पहले सिग्नम फंक्शन का, सॉरी मैं ग्राफ समझा देता हूँ आपको। इस आइडेंटिटी फंक्शन को करने से पहले सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा रहे, ज़ीरो तो होगा इधर, माइनस वन प्लस वन, तीन ही आउटपुट मिलते हैं। कहने का मतलब ऐसा, अगर मैं एक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालता रहूँगा तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन ही आएगी, मतलब कहने का मतलब इस रेंज में। ठीक है ना, तो अगर माइनस वैल्यू डालता रहूँगा तो एक्स की वैल्यू, वाई फंक्शन की वैल्यू इधर आएगी। कहने का मतलब एक्स अगर मैं माइनस वन डालूंगा तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस वन। माइनस टू डालूंगा आंसर भी क्या आएगा, माइनस वन। माइनस थ्री डालूंगा आंसर क्या आएगा, माइनस वन। कहने का मतलब ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा सिग्नम फंक्शन का, माइनस वन के लिए और प्लस वन के लिए सिग्नम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ग्राफ बनता है सिग्नम फंक्शन का। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात चलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। मैंने बोला कि जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट मिलेगा, वैसे वाले फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई का मतलब वाई इक्वल टू एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई है ना, वाई। एफ ऑफ एक्स नथिंग बट इक्वल टू वाई, ये वाई लेट करते हैं, मतलब एक्स इक्वल टू वाई है, वाई इक्वल टू एक्स। अब ऐसी कौन सी ग्राफ पे कौन सा पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे इनपुट की वैल्यू आउटपुट के बराबर होती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो ग्राफ के बीचों बीच एरिया होता है ना, ये बीचों बीच ये वाला, ये बनता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, मतलब या f ऑफ x इक्वल टू x लिखो या y इक्वल टू x। तो उसका अगर ग्राफ कोई बोले कैसा होता है तो इस तरीके से होता है। देखिए स्टूडेंट एक मिनट, देखिए जो ग्राफ के बीचों बीच एरिया, ये वाला ग्राफ का मतलब बिल्कुल सेंटर वाला एरिया जो लाइन कट करके आती है, उस लाइन के उस ग्राफ को हम कहते हैं कि y इक्वल टू x का ग्राफ है। क्यों, क्योंकि देखिए जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब जितना फासला इधर से उतना ही फासला इधर से, जितना फासला यहाँ से इधर उतना फासला यहाँ से इधर, जितना फासला यहाँ से इधर उतना फासला यहाँ से इधर। ठीक है स्टूडेंट, तो कहने का मतलब जो इनपुट डाल रहे हैं उतना ही आउटपुट मिल रहा है, जितना इनपुट डाल रहे हैं उतना आउटपुट मिल रहा है। इट मीन्स इस ग्राफ के बीचों बीच वाली जो लाइन आएगी, जो दिस लाइन इज शोन दैट द ग्राफ वाई इज शोन द ग्राफ ऑफ किसका, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, ये वाली लाइन।
ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। कहने का मतलब जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, जितना इनपुट उतना जितना आउटपुट इनपुट उतना ही आउटपुट मिलेगा हमें। तो जितना इनपुट डालोगे उतना आउटपुट मिलेगा, वैसे वाले फंक्शन को हम कहते हैं, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू एक्स। तो अब आपको को पूछे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो आपने बोला एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ के बीचों बीच से पास हो जाती है। क्यों पास होती है? क्योंकि उनका ऐसा सेंट बीचों बीच से पास करने का क्या मकसद है कि ताकि उन एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस जो है वो सेम रहे। क्यों? क्योंकि इनपुट और आउटपुट की वैल्यू हमें सेम देता है आइडेंटिटी फंक्शन में। सो इसलिए ये क्या करता है, बीचों बीच कट करती है लाइन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये आइडेंटिटी फंक्शन भी समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है भाई, कि अगर तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू है, भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू इज अ कांस्टेंट फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री इज अ कांस्टेंट फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर इज अ कांस्टेंट फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव इज अ कांस्टेंट फंक्शन। मतलब जब मतलब इनपुट हमने कोई भी डाला, इनपुट जो मर्जी डालो, आउटपुट हमें सिर्फ एक ही मिलेगा, मतलब एक ही वैल्यू मिलेगी कांस्टेंट, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे इन जनरल हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू डालो, जीरो वन टू थ्री अप टू माइनस वन, जो मर्जी डालोगे वैल्यू एक ही मिलने वाली है, एक सब के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे कि मान लेते हैं मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू के लिए ग्राफ बनाता हूँ, ये है भाई, ये इधर टू है, सपोज मैंने वन डाला तो टू आया, टू डाला टू आया, थ्री डाला टू आया, फोर डाला टू आया, इधर से माइनस वन डालूंगा तब भी टू आएगा। इट मीन्स एवरी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमें एक ही पॉइंट मिलेगा वाई एक्सिस पे फंक्शन का, कि जो क्या होगा, मतलब हर एक की, मतलब हर एक के लिए आउटपुट बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कहने का मतलब टू के लिए भी टू मिला, थ्री के लिए भी टू मिला, माइनस वन के लिए भी टू मिला। इट मीन्स एक ऐसी लाइन जो पैरलर हो एक्स एक्सिस के, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ आया होगा। कहने का मतलब जिसका आउटपुट हमें सिर्फ एक ही आउटपुट मिले, ठीक, आउटपुट एक ही मिलने को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से कांस्टेंट फंक्शन के बाद आता है पॉलीनोमियल फंक्शन। तो देखिए भाई, पॉलीनोमियल फंक्शन आपको टाइप तो इसकी आती ही है ना, पॉलीनोमियल फंक्शन की, पॉलीनोमियल फंक्शन इस टाइप का हो सकता है, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस 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 ए एन। ठीक स्टूडेंट, इस टाइप वाले फंक्शन को हम बोलते हैं पॉलीनोमियल फंक्शन। अब पॉलीनोमियल फंक्शन में लीनियर भी होता है, क्वाड्रेटिक भी होता है, पॉलीनोमियल भी क्यूबिक भी होता है। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री वन हो, ठीक है ना, ये तो आपको सबको पता है लीनियर पॉलीनोमियल वगैरह क्या होते हैं, ठीक है ना। तो पॉलीनोमियल फंक्शन में याद रखने की क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ याद रखनी है, पॉलीनोमियल फंक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे? आपने क्या करना है कि इस तरीके से जो भी फंक्शन मिलेगा वो पॉलीनोमियल होगा, लेकिन उसमें शर्त ये है कि ये जो n है ना, n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और a नॉट a वन a टू ये जितने भी कोफिशेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर n होल नंबर होगा तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, मतलब x की पावर ज़ीरो तो वन, तो इट मीन्स a नॉट प्लस, मतलब अगर मैं n का, मैं n ज़ीरो डालूंगा, मतलब इनपुट ज़ीरो डालूंगा, तो फंक्शन क्या बनेगा, a नॉट x की पावर n ज़ीरो, a नॉट मतलब x की पावर ज़ीरो वन हो जाएगी ना, वन इंटू a नॉट प्लस a वन x की पावर वन माइनस वन ज़ीरो, तो x की पावर ज़ीरो कितना हो जाएगा, वन प्लस नहीं है, ज़ीरो माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना, एक्स की पावर माइनस एन, फिर प्लस सॉरी माइनस वन, फिर प्लस ए टू एक्स की पावर ज़ीरो माइनस टू माइनस टू। इस तरीके से ये जो फंक्शन बनता जाएगा, इसको बोलते हैं हम पॉलीनोमियल फंक्शन। कहने का मतलब इस वाले ऐसी वाले टाइप को, जैसे ऐसे भी हो सकता है ए प्लस एक्स इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन, मतलब ये लीनियर पॉलीनोमियल फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ए एक्स प्लस बी हो सकता है,
तो ये लीनियर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे भी हो सकता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इन जनरल पॉलीनोमियल फंक्शन हम इस तरीके से लिखते हैं। ये तो कुछ हो गए टाइप, अगर इस फॉर्म का होगा तो हम लीनियर बोलेंगे, इस फॉर्म का होगा तो हम क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर जनरल इस जनरल हम पॉलीनोमियल फंक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, कहने का मतलब इनपुट इधर जो भी डालते रहोगे आउटपुट हमें इस फॉर्म का मिलता रहेगा, तो वैसे वाले फंक्शन को हम बोलते हैं पॉलीनोमियल फंक्शन। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसी तरीके से एक होता है डिरिचलेट फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप लोग सिर्फ समझते रहेंगे आपको हर चीज़ क्लियर होती रहेगी। ठीक है ना, तो डिरिचलेट फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने सिग्नम फंक्शन बताया आपको कि अगर इनपुट पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, अगर इनपुट पॉजिटिव होगा तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, इनपुट नेगेटिव होगा तो आउटपुट नेगेटिव मिलेगा। सिमिलरली डिरिचलेट फंक्शन क्या होता है कि अगर इनपुट तुम्हारा रैशनल होगा, रैशनल नंबर पता है ना, जो पी अपन क्यू की फॉर्म में हो, अगर इनपुट रैशनल हो, रैशनल कोई भी हो सकता है, टू रैशनल हो सकता है, जीरो रैशनल हो सकता है, माइनस वन अपॉन टू रैशनल, तो कोई भी रैशनल इनपुट डालें अगर हम, तो आंसर क्या आए, आउटपुट मिले वन। अगर इनपुट इरेशनल होगा तो आउटपुट हमें मिलेगा जीरो। तो इस डिरिचलेट फंक्शन में भी आउटपुट कितने मिलते हैं, दो, लेकिन उसमें भी ये शर्त है कि इनपुट अगर रैशनल होगा तो आउटपुट वन मिलेगा, इनपुट अगर इरेशनल होगा तो आउटपुट हमें मिलेगा जीरो। तो वैसे वाले फंक्शन को हम कहते हैं डिरिचलेट फंक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा, इनपुट और आउटपुट आपको समझ आ रही होगी कि इनपुट और आउटपुट मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो सिमिलरली एक होता है हार फंक्शन। देखिए आपके सिलेबस में जो जो फंक्शन है मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ, फालतू वैसे तो टाइप बहुत हैं फंक्शन की, बहुत सारी टाइप हैं, लेकिन जो जो आपके सिलेबस में है मैं उसी को डिस्कस करूँगा। ठीक है ना, तो डिरिचलेट फंक्शन समझ आया कि अगर इनपुट रैशनल होगा तो आउटपुट वन मिलेगा, अगर इनपुट इरेशनल होगा तो आउटपुट हमें जीरो मिलेगा। तो सिमिलरली एक होता है हार फंक्शन, एच ए डबल आर। हार फंक्शन क्या होता है, अगर इनपुट तुम्हारा क्या हो, इनपुट तुम्हारा क्या हो, जीरो से वन अपॉन टू के बीच में हो, मतलब जीरो से लेकर हाफ के बीच में होगा तो आउटपुट तुम्हारा वन मिलेगा, मतलब जीरो से वन बाई टू के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0.03, 0.004, कुछ भी 0.5, मतलब कुछ भी यहाँ से यहाँ तक कोई भी अगर हम फंक्शन में इनपुट डालेंगे तो आउटपुट हमें वन मिलेगा। ठीक, अगर वन बाई टू से आगे कहाँ तक, 1/2 से 1 के बीच में वैल्यू अगर इनपुट डालेंगे तो आउटपुट हमें माइनस वन मिलेगा। अगर हम 0 से हाफ के बीच में कोई भी इनपुट डाल रहे हैं तो हमें आउटपुट मिलेगा 1, अगर हाफ से 1 के बीच में कोई भी इनपुट डालेंगे आउटपुट मिलेगा माइनस वन, वैसे वाले फंक्शन को हम कहते हैं हार फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसी तरीके से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो ये तो आपको सबको पता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। और जबकि उनका इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो कल इंशाल्लाह हम कुछ ऑपरेशन पढ़ेंगे, कुछ ऑपरेशंस ऑन रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे सिलेबस पर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। तो स्टूडेंट क्या किया करो आप लोग, जब वीडियो देखते हो तो वीडियो देखने के बाद उधर ही वीडियो में ही कमेंट कर सकते हो आप लोग, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करो, ताकि आपके पास लाइक करने से क्या होता है, आपके पास चीज़ें ये सेव रहेगी, मतलब लाइक करोगे ना तो हर एक वीडियो मेरी जो भी मैं बनाऊंगा आपके पास सेव होती जाएगी मोबाइल में, आप किसी भी वक्त उसको खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो को लाइक भी कर लिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट है कि मैं कोई भी अगर वीडियो डालूँ, सपोज़ कोई भी वीडियो डालूंगा आपके मैथमेटिक्स के रिलेटेड, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है, ताकि हर एक वीडियो का लेक्चर आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।